चंद्रयान 3 अभी चांद के बेहद करीब पहुंच गया है। कुछ ही देर का इंतजार और फिर भारत चांद की धरती पर अपना परचम लहराएगा। महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान 3 चांद के चक्कर लगा रहा है। बताया जा रहा है कि विक्रम 23 अगस्त को 6:04 पर चांद की जमीन पर उतरेगा, जिसमें रोवर प्रज्ञान निकलकर चांद से डेटा जमा करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाती है तो विक्रम और रोवर का काम सिर्फ एक दिन का ही होगा। एक दिन तक ही चांद से डेटा आ पाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि महज एक दिन में भला सारा काम कैसे हो पाएगा। चलिए जानते हैं कि आखिर एक दिन की क्या कहानी है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक 23 अगस्त से मून पर लूनार डे की शुरुआत होगी। चांद पर एक लूनार दिन धरती के 14 दिन के बराबर होता है। इन 14 दिनों तक चांद पर लगातार सूरज की रोशनी रहती है। चंद्रयान 3 में जो इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उनकी लाइफ एक लूनार दिन की है। क्योंकि ये सोलर पावर से चलते हैं, इसलिए उन्हें काम करने के लिए सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। अगर किसी वजह से 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चांद पर लैंड नहीं कर पाता है तो अगले दिन फिर से कोशिश करेगा। अगर उस दिन भी वो इसमें सफल नहीं हो पाता है तो उसको 29 दिन या फिर महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो कि एक लूनर डे और एक लूनर नाइट के बराबर है। चंद्रयान चांद के एक दिन में ही काम करेगा और ये दिन में काम करने के लिए ही डिजाइन किया गया है। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इसके बाद रात में तापमान माइनस से भी काफी ज्यादा नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से प्रज्ञान सरवाइव नहीं कर पाएगा। हो सकता है कि 14 दिन से थोड़ा ज्यादा टाइम भी काम कर सके, लेकिन अभी 14 दिन ही इसकी सीमा मानी गई है। इस मिशन में 14 दिन तक विक्रम और प्रज्ञान काम करेंगे। वैसे ये 14 दिन या एक लूनर दिन रोवर के लैंडर से बाहर निकलने के बाद से काउंट होगा और इन दोनों के हिसाब से इसकी टाइमिंग वगैरह को सेट किया गया है। अभी विक्रम का अगला पड़ाव स्पीड कंट्रोल कर लैंडिंग के लिए अच्छी जगह खोजना है, जिसके बाद चांद पर रिसर्च का काम किया जाएगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल से लैंडर और रोवर अलग हो गए हैं। लैंडर और रोवर तो अब चांद की लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल चांद की रक्षा में घूमता रहेगा। ये कम्युनिकेशन बनाए रखने के लिए चक्कर लगाता रहेगा। इसके साथ ही डेटा कलेक्ट कर जमीन पर भेजता रहेगा। ये पृथ्वी के लिए डेटा कलेक्ट करने का काम लगातार करता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।